ओके दोस्तों, ई फोर वाले लाइन चैप्टर नंबर फोर, लास्ट टाइम पार्ट वन में चैप्टर वन टू थ्री हमने कर दिया है, जिसमें टाइमानो वेरिएशन, जेनिस गैम्बिट और रेयर ओपनिंग मैंने बता दी, ई फोर ई फाइव रूल ऑफ पे। आज हम देखेंगे उससे आगे मॉडर्न स्टेंज। सबसे पहले मॉडर्न स्टेंज, पहले आपको चार मुंह बिना एन एफ सिक्स के यहाँ पे लिख देना है। ये लाइन पूरी स्टार्टिंग में विदाउट एन एफ सिक्स की है, ये भी ध्यान रखो। फोर्थ मुंह में जो जो चेंजेस होते हैं वहाँ से लाइन के नेम चेंज होते हैं। मॉडर्न स्टेंज चैप्टर नंबर फोर, मॉडर्न स्टेंज में क्या है, ब्लैक रिप्लाई देता है फोर्थ मुंह में डी सिक्स। डी सिक्स के सामने यहाँ आपको खेलना है सी थ्री, ब्लैक रिप्लाई देगा बिशप डी सेवन और यहाँ आपको खेलना है डी फोर। कितना बढ़िया सेंटर मिल रहा है इसमें, नाइट एफ सिक्स ब्लैक खेलेगा और यहाँ सिंपल आपको कर देना है शॉर्ट कैसर। पूरी तरह से गेम आपके कंट्रोल में, ब्लैक बिशप ई सेवन डेवलप करेगा, यहाँ पे आपको आर ई वन करना है, ब्लैक रिप्लाई देगा शॉर्ट कैसर, नाइट बी डी टू, यहाँ पे ई टेक्स डी फोर और यहाँ आपको खेलना है सी टेक्स डी फोर। ओके, चैप्टर नंबर फाइव मॉडर्न स्टेज, जिसमें सिस्टा वेरिएशन। तो सिस्टा वेरिएशन क्या होता है यहाँ देख लेते हैं। एफ फाइव, सी थ्री के बाद एफ फाइव, हम सी थ्री खेलते हैं और यहाँ पे वाइट रिप्लाई देता है एफ फाइव, इसे कहते हैं मॉडर्न स्टेज सिस्टा वेरिएशन। एफ फाइव के रिप्लाई में आपको करना है ई टेक्स एफ फाइव, ब्लैक रिप्लाई देगा बिशप टेक्स एफ फाइव और यहाँ आपको कर देना है सिंपल शॉर्ट कैसल, ब्लैक रिप्लाई देगा बिशप डी थ्री और यहाँ पे खेलना है आर ई वन, उसके बाद सिंपल बिशप ई सेवन और यहाँ आपको खेलना है बिशप सी टू। अब देखो बिशप टेक बिशप, क्वीन टेक बिशप और इस पोजीशन से आप काफ़ी हद तक अच्छी तरह से खेल सकोगे। कैसल हो गया आपका, डेवलप हो चुका है क्वीन और माइनर पीसेस, रुक भी एक्शन में आ गया है। चलिए अब हम चलते हैं पार्ट टू। पार्ट टू मतलब विथ एन एफ सिक्स। अभी तक हमने क्या लाइन देखी, विदाउट एन एफ सिक्स, अब मैं आपको दिखाऊंगा विथ एन एफ सिक्स। फोर्थ मूव मतलब फोर्थ मूव एन एफ सिक्स, यहां आपको करना है कैसलिंग। दोस्तों इसके बाद बहुत सारी लाइंस है, बहुत सारे वेरिएशंस है, घबराइए नहीं, सब आपको आसानी से समझा दूंगा। तो चैप्टर नंबर सिक्स, लास्ट हमने चैप्टर फाइव किया सिस्टा वेरिएशन, चैप्टर नंबर सिक्स देखेंगे रूबिनस्टेन वेरिएशन। कैसलिंग के बाद जो ब्लैक के रिप्लाई है, सबसे पहला रिप्लाई है डी सिक्स, जिसे कहते हैं रूबिनस्टेन वेरिएशन। डी सिक्स में आपको करना है यहाँ सी थ्री, आइडिया बिहाइंड दिस मूव सेंटर कंट्रोल बाय डी। ब्लैक यहाँ पे ज्यादातर बिशप जी फोर पिनिंग करता है नाइट को, यहाँ पे आपको करना है आर ई। अब ब्लैक रिप्लाई देगा नाइट डी सेवन, यहाँ पे आपको खेलना है एच थ्री, बिशप एच फाइव और उसके बाद आपको खेलना है डी थ्री ना कि डी। डी थ्री के बाद ब्लैक रिप्लाई देगा बिशप ई सेवन, नाइट बी डी टू, यहाँ पे ब्लैक करेगा शॉर्ट कैसल और यहाँ आपको खेलना है नाइट एफ वन। ओके, ब्लैक नाइट डी सेवन क्यों खेला है, तो नाइट सी फाइव के लिए बिशप पैटेक, बिशप सी टू ले आइए, नाइट ई सिक्स, नाइट का मैनोवरिंग काफी हद तक स्ट्रांग लग रहा है, लेकिन आफ्टर नाइट जी थ्री यहाँ पे वाइट के पास बहुत सारी बेटर चॉइसेस है। तो ये था रूबिनस्टेन वेरिएशन। चैप्टर नंबर सेवन देखते हैं अर्खाजनिस्क वेरिएशन, जिसमें एन एफ सिक्स के बाद बी फाइव।
कैसल डी सिक्स सॉरी कैसल के बाद यहाँ पे B5, इससे आर्खनिस वेरिएशन कहते हैं। यहाँ पे आपको खेलना है BB3, ये तो फोर्स मूव है। बिशप B7, फिर आपको खेलना है C3, यहाँ पे नाइट टेक्स E4, यहाँ आपको खेलना है D4 और ब्लैक रिप्लाई देगा नाइट A5, यहाँ आपको खेलना है नाइट क्रॉस E5, नाइट B3 और यहाँ आपको क्वीन टेक्स B3, डायरेक्ट अटैक ऑन F7। तो यहाँ ब्लैक रिप्लाई देता है नाइट क्वीन F6, ये सबसे बेस्ट चॉइस होती है। यहाँ आप खेल सकते हो F3, ब्लैक रिप्लाई देगा नाइट C5, आफ्टर पॉन टेक्स देन क्वीन टेक्स नाइट पॉसिबल है, पर यहाँ पे नाइट G4 काउंटर अटैक आफ्टर नाइट B3, नाइट F6 चेक, G टेक्स F6 एंड A टेक्स B3। ये काफ़ी बेटर पोजीशन है वाइट के लिए। मटेरियल इक्वल है लेकिन पोजीशन में वाइट स्लाइट एडवांटेज। चैप्टर नंबर 8 है मोलर सिस्टम। मोलर सिस्टम यानी फिफ्थ मूव में कैसल के बाद बिशप C5। हमने कैसल किया और यहाँ पे ब्लैक बिशप C5, इसे कहते हैं मोलर सिस्टम। यहाँ आपको खेलना है C3 सेंटर के। ब्लैक यहाँ पे ज़्यादातर बिशप A7 देता है ताकि हमें टेम्पो नहीं देना चाहता है। फिर भी आपको खेलना है D4, ब्लैक नाइट टेक्स E4, रुक E1 एंड F5, ये फेमस और कॉमन लाइन है। यहाँ आपको नाइट भी D2 करना है और आगे पोजीशन वाइज वाइट को स्लाइट एडवांटेज है इसमें भी 0.62। चलिए आज का जो लास्ट वेरिएशन है मैं बताऊंगा, ओपन डिफेंस। चैप्टर नंबर 9 लिखिए ओपन डिफेंस। ओपन डिफेंस मतलब नाइट E4 डायरेक्टली कैसल के बाद नाइट टेक्स E4 अर्ली कैप्चरिंग। यहाँ आपको खेलना है D4, बेस्ट चॉइस होती है ब्लैक के लिए बिशप E7, इसके बाद RE1, यहाँ भी ब्लैक के पास बेस्ट चॉइस होता है F4, D टेक्स E5, यहाँ ब्लैक करता है शॉर्ट कैसल। आपको खेलना है BB3, किंग H8 ओनली ऑप्शन है अच्छा, उसके बाद नाइट C3, आफ्टर नाइट टेक C3, B टेक C3, क्वीन E8, बिशप G5। पोजीशन वाइज काफ़ी हद तक वाइट को एडवांटेज है इसमें। थोड़े पॉन वाइट के मतलब एक डबल है और यहाँ आइसोलेट है, लेकिन फिर भी वाइट को सेंटर पॉन की वजह से काफ़ी हद तक फायदा होगा। अटैक में भी वाइट अच्छी तरह से। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं दूसरे चैप्टर बताऊंगा। ओपन डिफेंस तक के हमने सारे क्लियर कर लिए। तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके ज़रूर रखो, क्योंकि मैं बैक टू बैक E4 की सारी सीरीज बना रहा हूँ। तो ये है हमारा Part 2 वीडियो। इसके बाद आगे और भी वेरिएशन आपको जानने को मिलेंगे। अभी हम सिर्फ E4 E5 लाइन पे डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी पूरी सीरीज मैं आपको पहले बताऊंगा, उसके बाद ही नई सीरीज शुरू करूंगा। जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद, जय गुजरात।